नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स इन इंडिया सीरीज के एक नए वीडियो में। इस सीरीज के सभी वीडियोस में हम आपको हमारे देश में बन रहे या फिर बनने वाले हैं ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में विस्तार से बताते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस सीरीज के पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स इन इंडिया पार्ट 8 को। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे इस छोटे से प्रयास इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट का निर्माण उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में किया जा रहा है। ये भारत की सबसे बड़े एयरपोर्ट बनने वाला है। इस पर काम तेजी से चल रहा है। इसके निर्माण कार्य के लिए यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को यूपी सरकार ने नोडल एजेंसी बनाया है। जेवर एयरपोर्ट से नोएडा की दूरी करीब 56 किलोमीटर है। इस एयरपोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जा रहा है। 2023 तक इस एयरपोर्ट के पूरी तरह ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। ये पूरा प्रोजेक्ट करीब 5000 हेक्टेयर में फैला होगा। इस तरह जेवर एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा। इसमें 6 से 8 रनवे होंगे। इसका पहला चरण 2023 तक तैयार हो सकता है। क्षेत्र के लिहाज से ये दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दोगुना हो जाएगा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन जाएगा। जेवर एयरपोर्ट की सालाना क्षमता करीब 50 लाख होगी, जबकि पूर्ण रूप से अगले 30 सालों में विस्तार के बाद इसकी क्षमता करीब 6 करोड़ सालाना होगी। उमिया माता टेम्पल। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के बाद अब गुजरात में दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर बनने जा रहा है। इसके साथ ही गुजरात के नाम एक नया रिकॉर्ड जुड़ जाएगा। इस मंदिर का डिजाइन एक जर्मन और एक भारतीय आर्किटेक्ट ने मिलकर तैयार किया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये मंदिर गुजरात में 100 बीघा जमीन पर बनाया जाएगा। इसकी ऊंचाई 431 फीट होगी। अहमदाबाद में वैष्णो देवी जयपुर के पास बनने वाला ये विशाल मंदिर माँ उमिया को समर्पित होगा, जो पाटीदार समाज की लोगों की कुलदेवी है। बताया जा रहा है कि इसे बनने में 1000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मंदिर के अंदर के हिस्से में 3 व्यूइंग गैलरी का निर्माण किया जाएगा, जिससे यहाँ आने वाले लोग पूरे अहमदाबाद शहर का नजारा देख सकेंगे। ये व्यूइंग गैलरी तकरीबन 82 मीटर ऊंची होगी। मंदिर का गर्भगृह भारतीय संस्कृति के हिसाब से तैयार किया जाएगा। यहाँ माँ उमिया की मूर्ति 52 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित की जाएगी। मंदिर में पारे से बने एक शिवलिंग को भी स्थापित किया जाएगा। साथ ही मंदिर के आसपास एक कौशल विकास विश्वविद्यालय, करियर डेवलपमेंट सेंटर, हॉस्पिटल, एनआरआई भवन, करियर गाइडेंस सेंटर और सामुदायिक न्यायालय की स्थापना भी की जाएगी। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। दोस्तों, मुंबई से नागपुर को जोड़ने के लिए महाराष्ट्र में बन रहा है 706 किलोमीटर लंबा समृद्ध महामार्ग हाईवे है। 3 सितंबर 2019 से इसका निर्माण शुरू हुआ, जो 2 साल और चलेगा। इंजीनियर्स का दावा है कि इसके यातायात के लिए जल्दी खोल दिया जाएगा। इनके बनने से नासिक और मुंबई की दूरी 3 घंटे से घटकर महज 1.5 घंटे रह जाएगी। इस हाईवे से 24 जिलों को लाभ होगा। ये 16 चरणों में बन रहा है। वर्तमान में इसके 14वें चरण का काम चल रहा है। हाईवे पर 7.8 किमी टनल भी बन रही है, जो नासिक के इगतपुरी से ठाणे को जोड़ेगी। इसमें 2 टनल है, जिसमें 1 फोर लेन आने के लिए और 1 फोर लेन जाने के लिए होगी। इसके हर 300 मीटर की दूरी पर इमरजेंसी एग्जिट बनाया जा रहा है। 701 किलोमीटर लंबे महामार्ग के लिए 8311.15 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है। इस महामार्ग से 10 जिले सीधे जुड़ेंगे, जबकि 24 जिलों की सड़कें महामार्ग से जुड़ेगी। सूरत डायमंड बोर्स। दोस्तों,
सूरत हीरा उद्योग का हब माना जाता है। विश्व में तराशे हुए हीरों में से 90% सूरत में तैयार होता है। इसके बावजूद सूरत में रफ हीरे नहीं बिकते और यहाँ से हीरे का सीधा निर्यात भी नहीं होता। हीरा उद्योग के विकास और आयात निर्यात के मकसद से सूरत के कुछ उद्यमियों ने सूरत डायमंड बूट्स बनाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। यह 10 मंजिल की 11 इमारत होगी। डायमंड बूट्स प्रोजेक्ट सूरत के हीरे उद्योग के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। करीब 2400 करोड़ रुपए के खर्च से 66 लाख स्क्वायर फीट में तैयार होने वाले इस प्रोजेक्ट में बैंक, कस्टम हाउस से लेकर तमाम सुविधाएं होंगी। बूट्स में 10 मंजिल की 11 इमारतें बनाई जाएगी जिसमें हर किस्म की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। द्वारका एक्सप्रेसवे। दोस्तों, वर्ष 2008 में द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन जमीन अधिग्रहण न होने व अन्य अड़चनों के कारण 2015 तक केवल 14 किलोमीटर का ही काम पूरा हो सका था। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी दिक्कतों का समाधान किया। करीब 9000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट 29.1 किलोमीटर लंबा द्वारका एक्सप्रेसवे महिपालपुर में शिव मूर्ति से खेड़की दोला टोल प्लाजा के पास जुड़ेगा और दक्षिणी पेरिफेरल रोड को दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे से इंटरचेंज के माध्यम से जोड़ेगा। लगभग 18.9 किलोमीटर गुरुग्राम में और करीब 10 किलोमीटर दिल्ली क्षेत्र में निर्माण होगा। द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 1 और 2, 11 किलोमीटर दिल्ली कॉरिडोर और हरियाणा में शेष 18.1 किलोमीटर का हिस्सा है और इनमें 2 वर्षों की देरी के लिए दिल्ली सरकार द्वारा 6500 पेड़ों की कटाई पर रोक के कारण थी। ये पेड़ सड़क के मुख्य रूट अलाइनमेंट में आ रहे थे। पैकेज 2 द्वारका सेक्टर 21 से हरियाणा बॉर्डर तक करीब 4.5 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड है। इसमें अलग अलग एलिवेटेड संरचनाएं शामिल होगी जो एक दूसरे के समानांतर चलेगी और नफरगढ़ द्वारका और पश्चिमी दिल्ली से गुरुग्राम को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने में सहायक साबित होगी। द्वारका सेक्टर 25 में अर्बन स्टेट रोड 2 और इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के कई प्रवेश और निकास बिंदुओं के साथ 8 एलिवेटेड लेन और 6 सरफेस लेन तैयार की जाएगी। गुरुग्राम में पहले से ही पैकेज 3 व 4 पर काम तेजी से चल रहा है। राम मंदिर अयोध्या। दोस्तों, राम मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। अयोध्या की पुरानी और ऐतिहासिक पहचान लौटाने के लिए मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके लिए इतिहास में झांकने के साथ साथ पुरातन धार्मिक ग्रंथों के पन्नों को भी पलटा जा रहा है ताकि राम जन्मभूमि के पूरे परिसर को भव्य और आकर्षक रूप दिया जा सके। मंदिर निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र राम जन्मभूमि परिसर को ऐतिहासिक पहचान देने के लिए विभिन्न डिजाइन और लेआउट को देखा जा रहा है। इसमें भव्य मंदिर के साथ साथ तीर्थ यात्रियों की सुविधाएं, परिक्रमा की व्यवस्था, पार्किंग, म्यूजियम, प्रदर्शनी और दर्शनार्थियों के आराम करने के जगह तक शामिल है। इसके अलावा राम मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों के मोबाइल, आवश्यक सामान और जूते चप्पल रखने की रैक का निर्माण भी किया जाएगा। तो दोस्तों, ये था टॉप अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स इन इंडिया पार्ट 8। और आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।